मुंबई में उर्फी जावेद अपने शॉर्ट कपड़ों के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। वहीं दूसरी ओर कोलकाता की मॉडल सनिति मित्रा और हेमोश्री भद्रा ने दमदम के एक दुर्गा पंडाल में शॉर्ट ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई और ये फोटो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर वायरल हो गया। मॉडल सनिति मित्रा ने हमारे संवाददाता से कहा, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा फोटो इतना वायरल हो जाएगा। मैं एक मॉडल हूँ और कई ब्रांड्स के साथ काम भी करती हूँ, लेकिन फोटो वायरल होने के बाद मुझे डर सताने लगा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स के जरिए मुझे भला बुरा कह रहे हैं। आइए जानते हैं सनिति मित्रा ने और क्या कहा। देखिए, पहली बात है, हम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिस वक्त पे फोटो लिया गया था, हम लोग ऐसे ही पैंडल के लिए घूमने के लिए गए थे और हम लोग ऐसे ही भगवान को देख रहे थे, उसी वक्त में हम लोग फोटो लिया था। हम लोगों का कोई ऐसा सोच नहीं था। इवन हम लोगों को बहुत ख़राब लग रहा है कि सभी को पता चल गया, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे आया है, हिंदुस्तान न्यूज़ पे आया है ये जो खबरें हैं। तो मैं नहीं, मतलब सभी लोग बोल रहा है, हिंदुस्तान न्यूज़ पे मैंने देखा, वहाँ पे लिखा है कि हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, वाट एवर। तो हम लोगों को नहीं पता है कि कैसा रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या है। इस तरह कपड़ा पहन के गई थी, आपका ऐसा सोच था? नहीं, हम लोग का ऐसा कोई भी सोच नहीं था। हम लोग ना जानबूझ के गए थे, हम लोगों को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है कि ऐसा होगा, मतलब सच में पता नहीं था हम लोग। मैं मॉडल हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं बहुत सारे ब्रांड के साथ काम करती हूँ। मैं 2017 में मिस कोलकाता हुई हूँ, मिस इंडिया से। मेरे नाम है सनिति मित्रा। मैं दमदम में एक पैंडल पे गई थी, हम लोग तीनों फ्रेंड एक साथ में थे। क्या क्या फ्रेंड का नाम है? एक फ्रेंड का नाम है हेमोश्री, वो भी मेरा फ्रेंड है। और हेमोश्री ने बीच में था फोटो में, बीच में रेड कलर की कपड़ा वो पहनी थी। मैं ब्लैक कलर का कपड़ा पहनी थी, राइट साइड में थी। देखिए, मुश्किलें बढ़ती जा रही है दुनिया में, गर्ल्स लोगों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ मेरा नहीं है। देखिए, दो दिन पहले कोलकाता में कैसे रेप हो गया है, आप लोगों को भी पता है, कितना बेरहमी से मारा गया है। लाइफ का कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग मॉडलिंग करते हैं, बहुत सारे ब्रांड के साथ काम करते हैं। मैं एक छोटा मोटा एक इंस्टाग्रामर हूँ, मैं इंस्टाग्राम करती हूँ, तो मुझे नहीं पता है इन फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मुझे बहुत डर लग रहा है कि सब लोगों को कैसे ये बारे में पता चल गया और आप लोग इधर कैसे आ गए हो, इस बारे में सोच के मैं सच में हैरान हूँ। तो देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहा है कि ये ख़राब है, ये जो किया है ये ठीक नहीं किया है, ये वो। मैं एक ही बात बोलूँगी, देखिए, हम लोगों को पता नहीं था और पैंडल के बाहर में कोई ऐसा लिखा नहीं था, ये कोई मंदिर नहीं। अगर मंदिर के बाहर में साइन बोर्ड होता, लिखा रहता, तो फिर हम लोग मानते कि हाँ, हम लोग ने गलत किया है। लेकिन पैंडल के बाहर में ऐसा कोई लिखा नहीं था, वहाँ पे जो लोग था वो लोग ने भी हम लोगों को कुछ नहीं बताया। लोगों के भी आरोप है कि धार्मिक जगह में इस तरह कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी धार्मिक जगह, इस पर क्या कहना? देखिए, धार्मिक जगह को मैं मानती हूँ कि अगर धर्म को लोग ही इधर बात हो रहा है, तो धर्म कल्चर से बहुत हार्ट को रिलेटेड है। तो हमारे जो भी लोग ये बात बता रहे हैं, मैं उन लोगों को तहे दिल से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एक बार सनातन धर्म के बारे में अच्छे से देखिए, जानिए, तो अच्छा लगेगा। क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो एक गर्ल का शरीर को ख़राब बोलेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम क्या इस तरीके के कपड़े पहन के आप जाएंगे पूजा में? देखिए, मैं तो बोलूँगी, मैं स्टाइल करती हूँ, मुझे स्टाइल करना बहुत अच्छा लगता है। मैं फ़ैशन करती हूँ, मैं छोटा कपड़ा पहनती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ ये पहन के, क्योंकि मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो मैं दिखाती हूँ सभी को। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत फ्री फील होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा विजडम मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है इससे। तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, मैं कोशिश करूँगी ये करने के लिए। देखिए, धमकी, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया है, बहुत सारे कमेंट पे बहुत गंदे गंदे बात मुझे बोला गया है। बहुत सारे लोग बोलता है बाहर में निकलेंगे तो मार डालेंगे, ये सब बहुत बार हुआ है मेरे साथ और इससे पहले भी एक हादसा हुआ है। पुलिस ने कंप्लेन किया है इस तरीके का जो आपको धमकी मिल रहा है? देखिए, अभी क्या बोलूँ, अगर हम लोगों के साथ इससे पहले बार भी एक बार हुआ है, हम लोगों को बहुत ज़ोर से मेरे सर पर मारा गया था, मुझे ब्रेन हैमरेज होते होते मैं बच गई, मेरे बाएं तरफ का ब्लड से खून भी निकला। तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं डरी हुई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डरी हूँ। मतलब ये चीज़ बार बार अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम लोगों का लाइफ का क्या सिक्योरिटी है, हम लोग क्या करेंगे? मुझे सच में कुछ पता नहीं चल रहा है इस बारे में, मतलब तो क्या। पापा को आपने ये बात बताया? देखिए, मेरा मम्मी पापा को उतना ज़्यादा पता नहीं इस बारे में, क्योंकि वो लोग पहले दिनों का है, वो लोग थोड़ा ओल्ड फैशन है और उन लोगों को ये सब बारे में उतना भी पता नहीं है। आप रहने वाली कहाँ हैं? शोधपुर? मैं शोधपुर में रहती हूँ। तो मैं महिला को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सभी लड़की लोग
एकत्रित हो जाइए आप सभी लड़की, एक लड़की दूसरे लड़की के पास में रहेगा तो ही लड़की लोग आगे जाएगा, और सभी को सभी का पास में रहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, एक लड़की को दूसरे लड़की के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जो स्टाइल है, जो फैशन है या छोटा कपड़ा पहनना, ये गलत नहीं है। नाम अपना बताओ। मेरा नाम है शरणति मित्रा, मैं इंस्टाग्राम मॉडल हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, और उसके साथ में मैं बहुत सारे शूट, बहुत सारे कोलैबोरेशन भी करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का नाम है शन्नती।